गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। यूपीएससी हर साल 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर के रूप में पूछती है। ये 25 अलग अलग आयामों से पूछे जाते हैं, जिन्हें कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों जैसे द हिंदू, मेंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा टीवी इत्यादि से पूछे जाते हैं। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों से हम आपके लिए करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, उसे एमसीक्यू के रूप में डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा 14वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा ताइवान के संबंध में सही है। दो कथन दिए गए हैं, ताइवान के संबंध में सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन क्या कहता है, यह सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। फ्रेंड्स, आप इस जानकारी को याद कर लीजिए। ताइवान एक ऐसा देश है जिस पर आधिकारिक तौर पर चीनी गणराज्य का हस्तक्षेप है। ये सबसे बड़ी आबादी वाला और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला एक देश है जो यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, तो इसे आप याद रखेंगे। दूसरा कथन क्या कहता है, यह दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और फिलिपिन सागर के आसपास अवस्थित है। ताइवान की अवस्थिति के बारे में दिया गया दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसकी अवस्थिति को आप मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आप इसे समझ पाएंगे। यह है हमारा प्यारा भारत और ताइवान के लिए आपको दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर जाना होगा। ये ताइवान है, ताइवान को थोड़े करीब से देखने पर आप इसे देख सकते हैं, ये ताइवान है। इस ताइवान के पूर्वी हिस्से में प्रशांत महासागर, ताइवान के बिल्कुल ऊपर इस चाइना सी, यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट, इधर जापान है और ये चीन है, इसे आप देख सक रहे हैं। इधर वाला जो हिस्सा है वो फिलिपीन का है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी ताइवान के बारे में, आप इन सारी बातों को ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, अंत्योदय अन्न योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। किसके बारे में, अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। पहला कथन कहता है यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का एक हिस्सा है। यह बिल्कुल सही है। जब भारत में लोगों को भूख से लड़ने के लिए और लोगों तक खाद्यान्न की पर्याप्त पहुँच उपलब्ध कराने के लिए 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास किया गया, तो उसी के अंतर्गत टारगेटेड पीडीएस कार्यक्रम भी शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत बीपीएल परिवार को कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उसी के अंतर्गत यानी कि जो लोग बीपीएल परिवार के हैं, उसी के अंतर्गत जो लोग अत्यधिक गरीबी से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए अन्न उपलब्ध कराने के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। यानी कि पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कहता है, अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। ये जानकारी भी बिल्कुल सही है, आप याद रख लें। जो अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी होते हैं उनमें प्रति परिवार हर माह 35 किलोग्राम का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा कथन क्या कहता है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। ये जानकारी भी बिल्कुल सही है। टारगेटेड पीडीएस और अंत्योदय अन्न योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिस मंत्रालय को चुना गया है वो उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। तो ये तीनों जानकारियों को आप याद रखेंगे। अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के बहुत सारे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हम लोगों ने उन सारे कार्यक्रमों को देखा है, लेकिन उसके आसपास जितने भी ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन सारे कार्यक्रमों से अवगत कराएं। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसका मुख्य लक्ष्य यही था फ्रेंड्स कि सबसे गरीब आबादी को लक्षित करना और उन्हें भूख से राहत प्रदान करने में मदद करना। एक अन्य बात जो इसी से जुड़ी हुई है उसे आपको याद रखना है कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत
₹1 प्रति किलो के हिसाब से मोटे अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं, ₹2 प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और ₹3 प्रति किलो के हिसाब से चावल उपलब्ध कराया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, बोस्निया और होर्जे गोविना, जिसे अक्सर बोस्निया के रूप में अनौपचारिक रूप से जाना जाता है, एक देश है, कहाँ? आपको ये बताना है। यहाँ पर आपको दिए गए ऑप्शन में बाल्कन प्रायद्वीप, लेब्राडोर प्रायद्वीप, इसके स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप और इबेरियन प्रायद्वीप दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें बोस्निया और होर्जे गोविना जो वर्तमान में एक देश के रूप में माने जाते हैं, तो ये जो है वो बाल्कन प्रायद्वीप में है। बाल्कन प्रायद्वीप कहाँ है? ये यूरोप का एक हिस्सा है जो यूरोप के दक्षिण पूर्वी हिस्सा में है। तो इसे आप याद रखेंगे, ये आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो है वो बाल्कन प्रायद्वीप है। जो हम बात कर रहे हैं बोस्निया और होर्जे गोविना का, तो इसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर है। अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि आज से लगभग 25 साल पहले 1995 में यहाँ पर 8000 मुस्लिम पुरुषों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से लेकर पहली बार ऐसा हुआ है जब इसे याद किया गया और जहाँ इन लोगों को दफनाया गया है वहाँ पर स्मरण के लिए कुछ उत्सव का आयोजन किया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में है। इस बात की संभावना कम है कि इसके बारे में जानकारी पूछी जाएगी, आपको इससे संबंधित मैपिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप देख लें, जो बोस्निया और होर्जे गोविना है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, ये भूमध्य सागर का जो हिस्सा है एड्रियाटिक सी उसके साथ सीमा साझा करता है, तो इसे आप देख सकते हैं। दूसरा जो इसके साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं उसमें आप याद रखेंगे क्रोएशिया, साइबेरिया और मोंटेनेग्रो, ये वो देश हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से देश इससे सीमा साझा करते हैं, ये कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है, क्या ये यूरोपियन देश है या फिर दूसरा कहीं ये है उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर आप इसे अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो फिर आप देख सकते हैं ये इटली है, इटली के ठीक पूरब के हिस्सा में एड्रियाटिक सी है, इधर तुर्की है, इधर वाले हिस्सा में रूस का आता है और ऊपर जो हिस्सा है वो यूरोप का है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, सेस्चेलम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं आपको सेस्चेलम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन क्या कहता है, इसमें श्री वेंकटेश्वर राष्ट्र उद्यान शामिल है। ये जानकारी बिल्कुल सही है, इसे आप याद कर लीजिए। जब 2010 में सेस्चेलम बायोस्फीयर रिजर्व को बायोस्फीयर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था उस समय इसके क्षेत्र को विस्तारित करते हुए श्री वेंकटेश्वर राष्ट्र उद्यान तक फैलाया गया था और वर्तमान में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्र उद्यान भी सेस्चेलम बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। दूसरा कथन क्या कहता है, यह लाल चंदन यानी कि रेड सैंडर्स और पतला लोरिस का प्राकृतिक आवास है। ये जानकारी भी बिल्कुल सही है, सेस्चेलम बायोस्फीयर रिजर्व जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के आसपास फैला हुआ है वहाँ लाल चंदन की लकड़ियाँ ज़्यादातर पाई जाती हैं, लाल चंदन के पौधे, पेड़ और पतला लोरिस के पेड़ ज़्यादातर मात्रा में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ये दोनों जानकारियाँ बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें ये न्यूज़ में क्यों आया था, तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर कुछ अवैध गतिविधियाँ करते हुए लाल चंदन की अवैध बिक्री करते हुए पकड़े गए थे, उसके बाद ये न्यूज़ में था। 2015 या 16 में यूपीएससी ने लाल चंदन से संबंधित प्रश्न पूछा था, तो आप ध्यान रखेंगे। यदि हम बात करें लाल चंदन का, तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से पालकोंडा और सेस्चेलम पहाड़ी श्रृंखला के आसपास पाया जाता है जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का क्षेत्र है। ना ये जो
पेड़ हैं लाल चंदन के, वो सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं पाए जाते बल्कि तमिलनाडु और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से आंध्र प्रदेश में ज्यादा पाया जाता है। ये जिस वातावरण में पाए जाते हैं जहां इनको इनकी वृद्धि के लिए मदद मिलती है, वो लाल मिट्टी, गर्म और शुष्क वातावरण, चट्टानी प्रतिभूमि का होना आवश्यक है। एक अन्य जानकारी, IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत इनकी अवैध कटाई और इनकी घटती जनसंख्या के कारण इनको IUCN की रेड लिस्ट के अंतर्गत लुप्तप्राय की प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और साइट्स में भी इसे प्रतिबंधित किया गया है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे जो लाल चंदन होता है उसको चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ फर्नीचर बनाने के लिए, विकिरण शोधक के रूप में कुछ संगीत वाद्य यंत्र निर्मित करने के लिए, कहीं कहीं इसको खाद्य पदार्थ में भी उपयोग किया जाता है, मसालों के रूप में आयुर्वेद और सिद्धा इत्यादि चिकित्सा के क्षेत्र में, सजावटी वस्तुओं के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये भारत, हमारा प्यारा भारत, और उसमें आंध्र प्रदेश का ये हिस्सा और शेषचलम आप यहाँ देख सकते हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यहाँ पर सारे नाम दिए गए हैं, जो PDF हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं, हालांकि हमने अपने स्टैटिक MCQ डिस्कशन में इसे डिस्कशन किया है। अगर हम बात करें श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का, तो आप इसे देख सकते हैं, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में है, और तिरुपति जो आप जानते हैं भगवान वेंकटेश्वर को यहाँ पर स्थापित किया गया है, भारत के पूर्वी घाट में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो इसी के अंतर्गत आता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन में कुछ मिसलिनियस टॉपिक हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान कुछ समय बीत जाने के बाद अनेक राज्य सरकारों के द्वारा बहुत सारी स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। पहली अंतर देशीय, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच स्पेशल ट्रेन इस लॉकडाउन के बीच जो चलाया गया था वो भारत और बांग्लादेश के बीच था। भारत के आंध्र प्रदेश में गंटूर जिले से मेच को लेकर ये बांग्लादेश के लिए गई थी, तो इसे आप याद रखेंगे। जो गंटूर जिले में पाया जाने वाला मिर्च है, गंटूर सनम, इसे भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो मिसलिनियस टॉपिक है वो स्वर्ण सब वन है। ये एक प्रकार की धान की प्रजाति है जिसकी उत्पादकता काफी ज्यादा है। जो एक अन्य कारण से ये न्यूज में है जिसे आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आते हैं उन क्षेत्रों में ये जल प्रतिरोधी एक फसल के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि 2009 से ही इसे असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का वो इलाका जहां पर अभी बार बार बाढ़ आ रहे हैं वहां पर प्रोत्साहित की जा रही है कि इस प्रजाति के धान को रोपा जाए या तो लगाया जाए। इसकी एक फायदा ये होती है कि यदि बाढ़ की वजह से जो धान के खेत होते हैं पूरी तरह से पाट जाते हैं तो उसके बावजूद ये धान के पौधे मरते नहीं हैं, ये उत्पादकता दे ही देते हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला जो टॉपिक है वो एक प्रकार के मशरूम के बारे में है। इसका नाम ओफियो डाइसेप्स सिनेसिस है। ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। ये दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, इसे आप देख सकते हैं। इसे हिमालयन वियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये विश्व का सबसे महंगा मशरूम की एक प्रजाति है जिसे हिंदी में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। इसकी संख्या हालांकि थोड़ी कम है, इसलिए IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत इसे संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। इसी की एक दूसरी प्रजाति जो है वो केडा जैदी है। हमने इसे अपने पिछले डिस्कशन में देखा था। ये मुख्य रूप से उत्तराखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है। जो ओफियो डाइसेप्स सिनेसिस नामक जो मशरूम है वो मुख्य रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चमोली के आसपास पाया जाता है। ये सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता, चीन, भूटान और नेपाल में भी पाया जाता है। मुख्य रूप से
तिब्बत के पठारी क्षेत्र जो है, हिमालय का जो क्षेत्र है वहां पर ये पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में न्यूज में था ओफियोडाइसेप्स सिनेसिस, ये क्या है? तो आप कहेंगे ये एक प्रकार का मशरूम है। हमारे डिस्कशन का अगला जो मिसलिनियस टॉपिक है वो बासन चार द्वीप के बारे में है। सबसे पहले आप मैप में देखें बासन चार द्वीप कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये बांग्लादेश में है। ये बांग्लादेश का बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा जहाँ पर मेघना नदी डेल्टा बनाती है, वहाँ पर ये 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला द्वीप है, इसे आप देख सकते हैं। इसका निर्माण गाद के वजह से 2006 में हुआ था। आपको यदि ये पूछा जाए बासन चार द्वीप कहाँ है, तो आपको ये भी ऑप्शन दिया जा सकता है बंगाल की खाड़ी, तो आप ये भी याद रखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी बासन चार के बारे में। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।